एक कॉमन मिथ या एक कॉमन डाउट अगर मैं कहूँ बच्चों के दिमाग में होता है जब वो फॉर्म फिल इन कर रहे होते हैं कि सर जैसे अगर मैंने प्रेफरेंस IMA या OTA चूज करी है तो उस टाइम पे CDS एग्जामिनेशन वाले बच्चों की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अगर वो फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो यहाँ पे अगर वो ऑप्शन चूज करते हैं कि भाई अगर उन्होंने IMA ज्वाइन करनी है, OTA ज्वाइन करनी है, INA ज्वाइन करनी है, तो उस टाइम पे क्या सर हमारे को उतनी ही SSB मिलेगी? मतलब IMA की अलग SSB आएगी, INA की अलग SSB आएगी, AFA की अलग SSB आएगी? तो ऐसा नहीं है। तो फिर सर ये ऐसा क्यों किया जाता है? इसका एक कॉमन अगर मैं आपको जवाब दूं, दैट इज कि जब आप रिटर्न क्लियर कर लेते हैं उसके बाद अगर आप SSB देने जाते हैं तो वहां पर जिस भी बोर्ड से आप रिकमेंड हो जाते हैं, आप मेडिकली फिट भी हो जाते हैं, तो अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता, पहला ऑप्शन अगर सपोज करो आपने IMA चूज किया है, तो वहां पर आप रिकमेंड हो गए, आप मेडिकली फिट हो गए, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर अगर आपका IMA की नहीं नाम आता, तो आप ऑटोमेटिकली अगर आपने जो सेकंड ऑप्शन चूज कर रखा होगा, चाहे वो INA हो, चाहे वो AFA हो, चाहे वो आपका OTA हो, तो उसके अंदर आप ऑटोमेटिकली स्विच हो जाते हैं। तो इसी वजह से वहां पर आपकी प्रेफरेंस चूज की जाती है, प्रेफरेंस आपसे पूछी जाती है, आप कौन सी जो है फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसीलिए आपकी 3 प्रेफरेंसेस पूछी जाती है। सो आई होप आपका जो एक कॉमन डाउट है, बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन डाउट था, तो ये डाउट क्लियर हुआ होगा एंड कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना है, एंड अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।